करते आप एतबार इस दुनिया के दो विजडम की जो सबसे कनेक्टिव रिजल्ट है उसको लेके आप उसको एतबार करते आप एक काम करें, सबसे अच्छा साइकेट्रिस्ट बनने के लिए बीइंग डॉक्टर में आपको एक रुकेश सजेस्ट करूंगा, ये आप जासूसी डायजेस्ट पढ़े। आपको अंदाजा है आपको इंसान की पूरी जिबलतों के बारे में, उसकी तमाम खासियतों के बारे में और उनकी जो अंदर इंट्यूशन पल रहे होंगे, जो ऊपर से जिबलतें उसके हेरिडिटी में आती होंगी, वो सब सिर्फ आपको एक जासूस बता सकता है कि ये सब क्या है। इसीलिए सबसे पहले आर्ट और कल्चर का जो दाखिली के साथ मिसाल जो पॉपुलर है, जो ओछी है, उसमें और सर्जन में क्या ताल्लुक है? वो जूते टांगता है, सर्जन इंसान की खाल को टांगता है, तो दोनों में कोई तो मुश्तरक है। इसीलिए सबसे पहला काम आप ये करें कि आप खुद भी कहानी बन जाएं और दूसरों की कहानियां पढ़ना भी शुरू करें, और ये कहानी पढ़ने और दूसरों की तस्वीरें देखने के बजाय आप सिर्फ चूंकि होना चाहिए अगर मगर में जिंदगी जाया तो कर सकते हैं, अच्छे साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकते। पहला काम करें जासूसी डायजेस्ट पढ़ें, दूसरा काम करें इस दुनिया के जो अजीम साइकेट्रिस्ट हैं उनकी हयातियां पढ़ें, और सवाल अपने आप से ये करें कि इससे बड़ा मैं कैसे बन सकता हूँ। जब आप इससे बड़ा होने की बात सोचेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत आगे जाएंगे। तो अगर आप लोग बेशक सब इल्म का मम्मा है लेकिन फॉर्मेट ऐसा है, तो अगर आप दो तीन मिनट में अपनी बात दे दें और मैं जरा सर हर दिमाग ठहरा न्यूयॉर्क सिटी की अकेडमी का, अगर अमरीका का सदर भी खड़ा हो जाए तलाब कर लेता हूँ सिर्फ आपके पास, मैं एक मिनट में कोई देर तुम्हारी छीन लेता हूँ। ये अमरीका के सेनेट में होता है, वन मिनट मीन वन मिनट वन सेकेंड और फिफ्टी इज नो सेकेंड से तीन मिनट। देखिए ये फॉर्मेट भी लिखा है, ये अदब का लिहाज है। मैं चार मिनट वाइस चांसलर से निकाला जा चुका और छोटा नहीं, जिसको मैंने नौकरी से कभी जोड़ा ही नहीं। अब मैं इसीलिए हमारे साथ मेंटल एड उनसे भी क्योंकि बड़े पारे मारती हैं, मुख्तसर है दो से फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आप लोग इंटरेक्टिव हो जाएंगे तो ये लोग भी महसूस होंगे, क्योंकि अगर महबूब की सारी बातें करें तो बेचारा जो आशिक है वो कहता है यार ये क्या है, तो इश्क माशूम का रिश्ता है यहाँ पे शामिल, अगर माशूम है तो आप लोग आशिक हैं, आप भी बोलें तो ये भी बोलें। मैं जनाब करीम ख्वाजा साहब से गुजारिश करूँगा, बड़े मौसर आदमी हैं और पॉलिसी के हवाले से और मेंटल हेल्थ और मूड डिसऑर्डर क्योंकि ये अहम चीज़ है, और स्टिग्मा कैसे हटाएं क्योंकि आप इसमें मेन रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू। मैं मुख्तसर बात करूंगा, आज बायपोलर डे है और इकबाल अफरीदी और जे पी एम सी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट और इन्होंने किया है, बड़ी अच्छी बात है और ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए कि डिप्रेशन बायपोलर और उसकी वजह से सुसाइड रेट्स समाज में बन गए हैं। सुबह सिंह ने 1912 का रेट था जो अंग्रेज दौर का था, यहाँ के असम्बली ने 2013 में रिप्लेस किया सिंध मेंटल एक्ट और अथॉरिटी बनी है 2017 में ये अथॉरिटी सुबह सिंध में जो जहनी बीमारियाँ हैं उसके लिए काम कर रही है, और मेरे ख्याल से कमिंग 6-8 महीने में रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि ऐसे भी अलाइज हो चुके हैं दीगर चीज़ें। मैं चाहूँगा कि अभी विशिष्ट एक दो मिनट बिलर्स के बाद जो इंटरेक्टिव सेक्शन हो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एक बार आपको मौका रखा। मैंने ये कहा था मुख्तसर बने ख्वाजा साहब ने तो मिर्जा गालिब इतना एक शेर में बस कह दिया, बस के हर काम का आसान होना आदमी को भी मैसर नहीं, इंसान होता तो मैं भी इंसान बनने की कोशिश में दर बदर फिरा,
नगर नगर फिरा, और पता नहीं कहाँ से चीजें हमारे में कोई सके बना था। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर शाह नाउरू से, वो वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी की नहीं, फिर डीन होने से पहले माशाल्लाह वाइस चांसलर भी दादाबाई के और रेक्टर फिर हमारे प्रोफेसर साहब है, और ये लोग दोस्ताना माहौल में रहे, 38 PhDs करा चुके हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी से तो मैं ये कहूँगा कि माइक्रोबायोलॉजी का, इन्फेक्शन का, इम्यूनोलॉजी का, दिमागी अमराज से आप बताएं वो डिसऑर्डर और फिर क्या, ताकि हर आदमी की राय दें। Creating awareness about bipolar disorder and separating it today and giving so much information. मैं एक immunologist, microbiologist हूँ और मैं समझती हूँ कि हमारी body जो है it's loaded with microorganisms. There are about 10 to 100 trillion microorganisms in our body which are not causing diseases, but they're involved in a number of very important biochemical functions. So this bipolar disorder, we don't know the reasons, we don't know the cause as yet, but there are some indications from the research. They say that there are some genetic regions, because you also see in the families, it runs in the families also, it's still not confirmed. There are some environmental reasons, there are some environmental toxicants which interact and do things. Then there, this is a neurobiological disease, so there are lots of neurochemicals which interact with the, at different levels. And this interaction of neurochemicals in the body and in the affected area of the brain actually converts them into some mediators which are probably doing some dysfunction of the neurotransmitters, and you know serotonin and so many other components are increasing. So we don't know why it's happening. We need to really understand more about it. और इसके बारे में मेरे ख्याल से, क्योंकि ये देखिए ये सब कुछ जो है इतना dormant रहता है. You have this in your system, but it remains dormant. We have to think about the prognostic and diagnostic factors or markers which actually triggers the development of bipolar disorder and progresses to a very serious problem. So we need to look at that. What is it that is triggering? But we have so many things in our society, the anxiety, the stresses and all that. So sometimes they play a role. Thank you so much. सारे सारे कितना एक बदल में जो है अपना काम कर रहे हैं। देखिए अब मैं दावत दूंगा हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो माशाल्लाह पाकिस्तान न्यूट्रिशनल डाइटिक सोसाइटी की सेक्रेटरी, इन्होंने बुनियाद डाली और ये हमारे लिए टूडे न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द किडनी सेंटर, वंडरफुल इंटेलेक्चुअल लेडी, एंड वी आर ऑनर्ड. And I'm telling you, after this 2:30 पे इनका सेमिनार न्यूट्रिशन का जिना में इस तरह यानी है, मैं इनका तेज दिल से ममनून और शुक्रगुजार हूँ. और ये वहाँ जाएंगी तो ये थोड़ा सा बोल दें और ताकि आप आगे बढ़ो, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं स्पीकर की शिकायत है, 4 मिनट आप देते हैं. असल में होता शायरे का देखे ना, मैंने खुद को निकाल लिया, मैंने 60 स्लाइडें कर दी. अगर आप लोगों को एंडोर्फिन नहीं निकालनी और कॉर्टिसोल और पसीना निकालना है तो मैं नाम ले लेता हूँ. मैंने कौन सा हासिल करनी है नौकरी, मैंने कभी किसी बादशाह की इतनी तारीफें नहीं की जितनी कि हुनरमंदों की करता हूँ. गवर्नर साहब आ जाइए ना लाइक तरीन आदमी मुल्क का बगल आज बाइपोलर डे है, वर्ल्ड बाइपोलर. बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस मैं ये जो समझती हूँ कि जो न्यूट्रिशन है और जो मेंटल हेल्थ है वो मेरे ख्याल में देखा जाए तो हर शख्स के उससे वापस मतलब उससे वो रिलेट कर सकते हैं आप. और ये जो बड़ी जो डिफरेंट ऐसी बीमारियाँ बाद में बन जाती हैं तो जो स्टार्ट होती हैं वो बहुत छोटे छोटे, जो जैसे कि बहुत सारा चीज़ें डॉक्टर साहब ने मेंशन की, जो हमारा रोजमर्रा का इंटरेक्शन है, जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है, जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, जो फैमिली इश्यूज हैं, और इस तरह के जो मसाइल होते हैं बहुत बेसिक लेवल पे, जब वो बहुत क्रॉनिक शक्ल अख्तियार करते हैं फिर वो किसी डिजीज रिलेटेड और वो जाते हैं. और डाइट का भी इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे हम क्रॉनिक डिजीजेज की बात करते थे, 4 क्रॉनिक डिजीजेज जो कि डाइट से लिंक करती हैं, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड
क्रॉनिक लंग डिजीज था, उसमें आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो मेंटल हेल्थ डिजीज है वो भी उसका एक पार्ट है. लाइक 5 क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो कि इंटरलिंक्ड है. यानी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई भी ये जब बीमारी कोई आती है तो वो अकेले नहीं आती, उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे अदर रिस्क फैक्टर्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स साथ साथ होती हैं. तो उनको टाइमली जो है एड्रेस करना, और ऑब्वियसली न्यूट्रिशन का लिंक जो है वो किसी क्रॉनिक डिजीजेस में भी जो है वो आपका क्या कहते हैं बिफोर बर्थ होता है. यानी जब अगर मदर की न्यूट्रिशन अच्छी है तो फिर वो जो बच्चा है वो हेल्दी होगा. अगर उसके अंदर अगर हम इसको डीपली स्टडी करें डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को और इसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशियंसीज होती हैं तो उससे भी लिंक किया जा रहा है कि जिन लोगों में कुछ न्यूट्रिएंट्स के लेवल्स बहुत कम होते हैं ऑन बर्ड वो ज्यादा प्रोन होते हैं जिसमें ये आपके डिफरेंट स्किज़ोफ्रेनिया और इनके जो और डिफरेंट डिजीजेस हैं उसको होने में. तो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जिस तरह मैं किडनी सेंटर में काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं तो एक जो उनको भी बहुत हेल्प की जरूरत होती है क्योंकि साइकेट्री जो है वो और न्यूट्रिशन मेरे ख्याल में इसको आप हर स्टेज पे हर लेवल पे नॉर्मल लोगों में भी आप उसको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है. और जब कोई भी डिजीज हो जाती है तो उसको रिव्यू करने की और सही से एनालाइज करने की और फिर उसके अकॉर्डिंगली कुछ जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनिस्ट जो है मैं समझती हूँ कि उन सब हर शख्स को जरूरत है लेकिन ऐसे पेशेंट्स को स्पेशली उनकी असेसमेंट बहुत जरूरी होती है फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और फिर हम उनको एड्रेस करें. बहुत शुक्रिया. और आपसे फ्यूचर में इंटूगर पीपी हमारे पड़ोस में आपके जी साहब का तो टाइम नहीं होता जाने का, मैं ही हूँगा जो कि किडनी सेंटर में नजर आऊंगा. तो मैं आप लोग बहुत अगर आप लोग स्काइप पे आ गए तो ठीक है वरना मेरी हाजिरी तो हर जगह हाजिरी नहीं थे वो भी अब जाऊँगा क्योंकि सर अभी जलाली बाबा और वानी बाबा के पास कई मार्च को ले गए होंगे वहाँ चिन्हार वगैरह तो सर बता देंगे. अब मैं गुजारिश करूँगा क्योंकि सर को एक मिनट अपने 23 मार्च का बता के फिर हमारे मौजूदी उनके खत्म कर दूंगा. आप सर मैं ये गुजारिश करूँगा कि जनाब पहले हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं अपने दानी से बताएं आप अमेरिका में रहे हैं माशाल्लाह उसको डायरेक्टर वाइस चांसलर हैं और मुझे इनकी जिस मूवी ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है वो ये कि ये फ्री के एंडोरफिन लाते हैं जो भी पेशेंट सीवियर डिप्रेशन का है और बाइपोलर का आप इन्हें भेजते हैं दवा भी खत्म बस कुछ बाज और पैसे की भी बचत. प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो इमरान साहब मैं भाई टू के 3 मिनट जो है ना मेरे काइंड जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा है. मैं न्यूरोसाइकियाट्री में PhD करना चाहता था लेकिन न्यूजर्सी यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम था तो मैं जाकर उन प्रोफेसर से मिला तो वो जैसे पेशेंट थे वैसे ही प्रोफेसर थे. ट्रस्ट मी आई डिसाइडेड कि मैंने जो है ना इट इज अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस आप स्टूडेंट्स एंड वंडरफुल कॉलीग्स ओवर हियर. मेरा मेंटल हेल्थ से भी लिंक है जो है ना जो ब्रेन मॉडल इन टेस्ट ट्यूब जो डेवलप हुआ था सबसे पहला जो है ना वो मेरी लैब में हुआ था और मैंने ही किया था मेरी टीम ने किया था जो है ना. तो उसके लिए हुकूमत अमरीका ने मुझे ओपन वीजा दिया आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट. उस वीजे की शान ये है कि जब मैं अमेरिकन किसी भी पोर्ट ऑफ एंट्री से जाऊंगा जो है ना तो जो आदमी मेरा पासपोर्ट देखेगा वो कहेगा थैंक यू फॉर सर्विंग माय नेशन टू आवर इंसान. लेकिन आपका लेकिन अभी दूसरी बात जो है ना इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन मैं लाहौर एयरपोर्ट से सुबह जो है मेरी फ्लाइट थी मैं जा रहा था तो वो आदमी ने मेरा पासपोर्ट लिया जो बैठे होते हैं आपके FIA वाले या जो भी होते हैं उसने मशीन से गुजारा मशीन ने कहा ओके यू कैन गो. उसने दूसरी बार गुजारा तीसरी बार गुजारा तो वो वीजा सही था इतना बेहतर वो अंदर आपने किसी और बाप के पास ले गया तो उसने भी देखा था कि वो 3 स्टेजेस उसने क्रॉस की जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर था उसके पास चला गया. वो बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी मेरे पास आया जो है ना कहता है यहाँ बात ये है मुझे अंदर देख लाइक अप्रीहेंड कर लिया जैसे ये होता है कि भाई जो गलत पीने वाला बंदा जा रहा है जो है ना तो मुझे बिठा दिया. उन्हें कहा यार बात ये है कि
हम तुम्हारे वीजे को कई बार मशीन से गुजारा है, हर बार मशीन इस वीजे को ओके कर रही है, लेकिन ये वीजा एग्जिस्ट नहीं करता, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन ये बता दो पाकिस्तान में ये वीजा बनता कहां से है? दीज आर द प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में जो है, आपको पता है जैसे इमरान साहब हो जाते हैं, ये अमेरिका की एक एबिलिटी है कि वो आपको इंडिपेंडेंट बना देता है, आज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या जो भी है उसके आगे भी खड़े हो जाते हैं कि हु द हेल यू आर बात का, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अपने को नीचे दिमागी में जाते हैं, आपको जो कुछ कर रहे हैं आपने अपनी की साहब के घर डाल दिया, उन्होंने मुझे कहा है ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि मैंने उस बंदे को जो उनका हेड था मैंने कहा यू स्टूपिड शुड नॉट बी हियर, यू डोंट नो व्हाट दिस वीजा इज। उस वीजे की जो पहली कंडीशन लिखी है उसमें ये है कि बंदे के पास नोबेल प्राइज होना चाहिए, नोबेल प्राइज नहीं है या इसके इक्विवेलेंट उसका काम होना चाहिए। तो उसने जल्दी से जाके जो है वो पढ़ा के फिर मुझे कहते हैं सर ये आपको नोबेल प्राइज मिला हुआ है ये क्या होता है? यार मुझे तो पता नहीं है ना मुझे नोबेल प्राइज मिला हुआ है ना मुझे पता है ये क्या होता है। मैं तुरंत ही मैंने जब उसे अच्छा खासा गाड़ा तो वही साहब जो है ना वो एक बंदे को लेके आते, उन्होंने मुझे तीन बार सुबह का नाश्ता भिजवाया क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई थी जो है ना। सो दीज आर दी इश्यूज दैट वी हैव इट। बट एनीवे मैं जो आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यू पीपल कैन चेंज द वर्ल्ड, few people can change the Pakistan. This psychiatric illnesses, I think agar hum acche hukmaran nahi la sake, so it means the nation is suffering with the psychiatric illnesses. Trust me, that's what it is. So iske liye hame jo hai na jo psychological changes hain that you can bring it. Aur doctor sahab ne to main sun ke aaye really worried ki hamare paas jo hai na psychiatric illness ke liye log hi nahi hai. वैसे मैं पढ़ रहा था अभी लेटेस्ट पेपर जो है ना बाइपोलर डिसऑर्डर में जो डेवलपमेंट हुई है वो यही हुई है कि इसका नाम मैनिक डिप्रेशन से हटके बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है। बाकी नाउ देयर आर वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अनफॉर्चुनेटली देयर इज नॉट टू मच रिसर्च, अभी शुरू हुई है जीनोम वाइज एसोसिएशन स्टडी, तो आई विल बी बाय ऑल मींस आई विल बी रेडी टू वर्क विद सन्स एंड डॉक्टर। मैं कभी स्टूडेंट नहीं कहता बल्कि मैं तीन यूनिवर्सिटीज का पहले भी वाइस चांसलर रह चुका हूं, मैंने जो हालिया गवर्नर पंजाब है इनको मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि ये जो आपके लोग कहते हैं कि डेयर स्टूडेंट दिस वर्ड शुड बी वॉच देयर सन्स एंड डॉटर दैट्स द राइट वे टू वर्क ऑन दिस वन। अगर आप काम कर रहे हैं तो एनीबडी वांट टू गेट इन्वॉल्व विद रिसर्च या डॉक्टर साहब के साथ बैठ के, आज का दिन तो ये तीन मिनट वाला है क्योंकि मेरे तीन मिनट पूरे भी हो चुके हैं, वो वापस ना आ जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि वी स्टार्ट सम टाइप ऑफ वी प्लान समथिंग वी डू सम साइंटिफिक रिसर्च। अमेरिका में इस वक्त 20 जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है जो कि अमेरिकन लोगों की हेल्थ के लिए ख्याल करता है उनके 27 इंस्टीट्यूट हैं। आपको पता है उसमें से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कितने हैं उनमें से? एनीबडी नो? 27 में से 3 इंस्टीट्यूट एनआईएमएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, एनआईएमडीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल डिसऑर्डर, उसमें से ऑलमोस्ट 3 जो है ना 1/10 इज फॉर दिस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोसाइकेट्री का भी है जो ना उसमें I think that this would be a good opportunity. Agar hum miljul kar we do something, we can bring some changes. Aur bipolar disorder ke bare mein main padh raha tha to aise lag raha tha ki probably maine to khair apne mein ye aadhar develop kar li hai, agar mujhe aage koi thappad bhi maare main to yahan bada acha laga mujhe jo hai na I feel comfortable. Aur वैसे भी administrative job bhi aapko sikha deti hai, ye ab aap Nidhi sahab se puchiyega ki kitni इमरान साहब ने मुझे कहा कि जो न्यूयॉर्क के हैं तो न्यूयॉर्क की मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाता हूँ। मैं जब भी इंटरनेशनली ट्रेवल करता हूँ ना मैं शलवार कमीज पहनता हूँ, वो भी स्त्री ना होगी ताकि ऐसे लगे कि वो वैसे ही जा रहा है जो ना बंदा जो ना एंड देन यू लिसन लॉट मोर पीपल जो ना आपको रियल पता चलता है कि दुनिया में लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं।
तो हमारी एक तरफ फ्लाइट लेट हो गई, जीएफके एयरपोर्ट पर बैठे हैं न्यूयॉर्क में जाना, तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर सो गुड। तो हुआ ये कि 5-10 बच्चे के वो जो वेंडिंग मशीन होती है ना, तो वेंडिंग मशीन को उन्होंने इतने को बटन दबाए कि वो वेंडिंग मशीन जो आप नीचे हाथ डालें तो वो कोक की या सेवन अप की बॉटल्स नीचे डाल देते थे। अच्छा, मैं वैसे ही जो है ना नॉन स्त्री शुदा शलवार कमीज पहनी और उधर ही मैं बैठा था वेंडिंग मशीन के साथ जो है ना। तो जितनी भी माशाल्लाह पाकिस्तानी माएं हैं अपने छोटे बच्चों को भेजा, बेटा जाओ उधर से फ्री कोक मिल रही है, ले गया हो जाना। तो समय खैर, अब मैं आई टेल यू के कैसी जो है ना बुराई फैलती कैसे है, दैट वाज रॉन्ग। तो वो जो सिक्योरिटी वाले थे ना, वो कहीं कैमरे में देख रहे थे, वो काले थे। तो अब सुबह 2 बजे का टाइम था जो है ना, वो आए और उन्होंने भी इधर उधर देखा, उन्होंने कहा एक बंदा बैठा है इसने शलवार कमीज पहनी हुई है, इसको पता नहीं इंग्लिश आती है या नहीं आती जो है ना। तो उन्होंने भी नीचे से हाथ डाला और दो को कोक एक ने निकाली, दो दूसरे ने निकाली, अपनी जेब में डाल के जो है ना साथ खड़े हो कहते हैं, Man, these damn Pakistanis are really smart. Man, they take care of our machines also. They don't work in front of us and kill them. So then that's what we are considered as the smartest nation. But choose this smartness in for some better purposes. That's what it is. Sorry, aapki presentation. So humne ye kaam inhe shuru kiya hai ki I think we would love to get involved with your group also, कि हम shoot the video जो है ना for general learning of people जो है ना, this is smart presentation for 4 minutes I think, yeah. मूड फ्लक्चुएशन इज ऑब्जर्व द सफरर मैनिफेस्ट मूड एलिवेशन मैनिया एंड डिप्रेशन इंटरस्पर्स्ड विद नॉर्मल मूड एंड इट इज नोन एज यूथीमिया. This episodic pattern varies among the individuals suffering with this disease. In general, depressive times are prolonged when compared with mood elevation. Depression is the cause of both morbidity and mortality. Let's talk about the paradigm shift in the treatment of bipolar disorder in recent times. The conventional diagnostics and treatments are usually based on cluster of symptoms rather than biological markers. Treatment options are based on non-targeted drugs identified by chance. The only significant development is change in the disease name from manic depression to bipolar disorder. In the recent time, several studies have provided genetic clues in the treatment of bipolar disorder. Despite of this, underlying biology is still unknown and heritable pattern is still questionable. Some of the disease-associated pathological factors are oxidative stress, mitochondrial dysfunction, inflammation, dopamine abnormalities, circadian rhythms, and dysfunctional brain connectivity. Recent development in digital technologies and molecular sciences has paved way for the treatment of bipolar disorder. Bipolar disorder risks genes identification and phenotypic characterization of the disease. Merging technologies facilitating genomic characterization of the disease are genomics, neuroscience, and digital technologies. As a result of the development of digital technologies and molecular sciences, some intriguing studies have come forward. As far as genetic predisposition and bipolar disorder is concerned, a child born with either parent having bipolar disorder has 10-fold higher chances of acquiring the disease. It can be either mother or father. Let's talk about Mendelian inheritance for bipolar disorder. No Mendelian inheritance is witnessed, which means that transmission of characteristics for parents to offspring is not there. This disease is not gene specific. Multiple susceptible loci has been identified by genome-wide association studies. Now let us talk about the word loci. Loci is plural of locus and it defines the position of gene on a chromosome. In the previous slide, I discussed the role of loci in bipolar disorder. Here, I'm showing you loci and related genes.
As you know that humans have 23 pairs of chromosomes, and bipolar disease is specific loci have been identified on chromosomes 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, and 17. There are a variety of treatments available for bipolar disorder. They are prophylactic, such as sodium valproate, or pharmacological, such as antipsychotics, antidepressants, and antiepileptic. Besides these, we should never underestimate the importance of psychoeducation and psychological treatment for such patients. Now I will talk about future treatments and required research in bipolar disorder. The research is linking genetic information retrieved through genome-wide association studies with the disease phenotype. As there is enhanced intracellular calcium signaling observed in bipolar disorder, so the future treatments are focused on the development of L-type voltage-gated calcium channel VGCC antagonist. Thank you for your valuable time. Let's join hands together to help those who are suffering. This is a small initiative by Lathavoy Institute of Higher Education to let people know that we are together as a community. Shukriya. Meraha Professor Sahib's presentation has been judged with the winner list. Show you technology, make you laugh. And before time and sitting, and he's a wise chancellor. Just search your heart. I say these things, if these qualities are not developed, there is no need to be a dean of any university. There is no need. We never leave a movie, but we leave seminar as that it has no importance, it's a photo session. I think today he taught us, and never be a hypocrite. When you promise somebody to do something, either do it or say no. I am doing multitasking, my brain is boiling. What I have learned in life, walking on the New York street, that you need to admit Allah or Allah with you. Nobody is yours. Now, could you allow the audience to ask some questions? Now, I will come back to hopefully the presiding person, that is Professor Dr. Shankar Hussain Abbasi, ex-minister, secretary health, to please summarize all the same. Dr. Shankar Mane, recently I had a vice chancellor and aapka ek ghante ke seminar hua, main speaker tha, main kuch na bola. 5 baje wala 7 baje khatam hua, main sir ki clinic mein na ja saka aur main aakhir waqt tak samosa khate gaya. Agar tujhe mein itna sabr hai, तो आप लोगों ने ऐसा किया है कौन सा बदली आदत की कुर्सी मिल रही जो भाग रहे हो कि वाइस चांसलर बैठा है इसको जल्दी नहीं किसी को जल्दी नहीं होनी चाहिए मुझे कोई बता दे जिसने अपना सेमिनार वक्त पे शुरू किया और मैंने बता दें मैं आपके लिए तो सर देखिए दैट इज इरिटेटरी कर दैट इज इंसल्ट टू समबडी आई रिस्पेक्टेड द वाइस चांसलर ही जस्ट ब्लू एंड आई ब्रॉट इट बैक एंड आई ब्रोक द रूल्स फॉर लर्निंग ऑफ हिस्ट्री I broke the rules. And I know they didn't sing books 15 minutes. And we can end up 2:30 versus go around 3 PM. Agar daily hai toh chale jao, mast ho. Kisi ne roka nahi. To ab main chappas aapse kahunga ki aap samajh kar. Ye mere mohse ne meri aakaash se vaage hai barson se. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. करीब मुलाम को देखता हूँ तो मुझे आइंस्टाइन की हिस्ट्री याद आ जाती थी कि जब उसके टीचर्स ने कहा था कि हम उनको नहीं पढ़ा सकते तो उसकी मदर ने कहा था कि उसको खत नहीं पढ़ा बल्कि उनके टीचर्स ने कहा था कि वो कह रहे हैं कि ये हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तो हम हमसे ये नहीं पढ़ सकेगा आप उनको कर के पढ़ा वो खत उसने पढ़ा था जब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया जब उसने खत निकाला तो उसको टीचर ने लिखा कि ये तो डर है और ये हम नहीं पढ़ा सकते उसको रोना भी कि मेरी माँ ने कितनी मेहनत की ये जो मेहनत होती है जो उनके
अच्छे लोग, ज़हीन लोग चाहिए और उनकी टॉलरेंस भी चाहिए। तो पहला डॉक्टर इमरान ने जिस तरीके से बहुत अच्छी तरह से फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, विशाल आदमी है, मगर क्योंकि बाइपोलर डिजीज का जेल था तो वो भी दिखाना जरूरी था सर। थोड़ा ऐसा भी होता है तो मेरे भाई है, मैं इनको कहता हूँ जैसे हमारे पास गाँव में होता है ना कि कोई बंदा इधर उधर भटकता तो बोला उसकी शादी करा दे ठीक हो जाएगा। मेरी ट्रीटमेंट इनके लिए ये सजेस्ट, चार शादियाँ करा दो, एक से शादी हो जाएगी तो आधी दवा मार देती है पूरी दवा। नहीं हुआ भी क्या है। तो सर बात यह है कि हम जितने लोग बैठे हैं, साइकियाट्री जो है वो एक ऐसी चीज है कि बंदे का गम बांटना है, बंदे का दुख दर्द बांटना है। मैंने जब क्लिनिक की है, मैंने डॉक्टरों को देखा है, खास डॉक्टर ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे फिजिशियन, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देंगे, मगर उनके चेहरे पर स्माइल नहीं। एक बंदा आम इंजीनियर है, बंदे को हाथ से पकड़ लेता है, गले से लगा लेता है, होता कुछ नहीं है, कोई फर्क। तो बहुत से पड़े से बड़ी डिजीज जो होती है वो आधी चीज तो ऐसी खत्म होती है, बाकी आदमी ट्रीटमेंट होती है। तो पेशेंट का और डॉक्टर का एक रिलेशन ऐसा बन जाता है कि तो पीर और मुर्शिद का बन जाता है। लोग अमेरिका से आते हैं, एक MBBS डॉक्टर कराची का उसको दिखता है कि वहां पे सबको दिखाया, तो जब तक वो डॉक्टर साहब मुझे नहीं देखेंगे मैं ठीक नहीं हूँ। तो एक रीएश्योरेंस जो देता है बंदा उसको, जो अपना एतमाद बिठाता है कि तुम्हें कुछ नहीं है, तो वो उसको बहुत इंकरेज करता है, बंदा डिप्रेशन से बच जाता है। हमारे मुल्क का डिलेमा ये है कि हमारे पास जैसे डॉक्टर साहब ने इन्होंने बोला कि इंटरमीडिएट एक अगर प्राइम मिनिस्टर बैठा हो तो नीचे क्या होगा। ये साइकोलॉजी का ये है कि मैं जितना पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी डिग्री से कम डिग्री वाले मेरे अंडर में काम करें। मैं अपने से ज्यादा होशियार बंदे को अपने साथ इस वजह से नहीं बिठाऊंगा कि मुझे एतमाद नहीं होगा कि ये मुझे और कम करेगा और मुझे ये नसीहतें करना शुरू कर देगा। तो आपने देखा होगा पुरानी जितनी गवर्नमेंट है जो अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एतमाद था उनकी टीम भी इतनी अच्छी थी, उनको ये डर नहीं होता था कि बंदा मुझे और कम कर सकेगा। मगर ऐसे बंदे जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, ये उनके नीचे फिर उसी तरीके से गंदे किस्म के लोग आते हैं, उनकी पूरी कैबिनेट ऐसी होती है और तबाही बन जाती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का किताब पढ़े, पूरा साइकोलॉजी साइकोलॉजी पे है, उनकी एक चीज बड़ी अच्छी उन्होंने लिखी है, इंसान दो चीजों की तलाश में अगर पड़ जाए, एक चाह और दूसरी दौलत, उसका पेट कभी भर नहीं देता। कि एक प्रॉपर्टी मैंने बनाई, वो उन्होंने 400 साल पुरानी किताबें हैं, मगर आज भी लगता है कि वही इंप्लीमेंट हो रही है, वो चीज है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आदम की औलाद को अगर एक कान सोने की मिल जाए तो वो दूसरी की तलाश में निकलेगा, अगर दूसरी मिल जाए तो उस पर इतफाक नहीं करेगा, तीसरी की तलाश में निकलेगा, और उसका पेट कमर की मट्टी भर सकती है, उसको कोई नहीं भर सकता। तो ये चीज जो है कि ह्यूमन साइकोलॉजी अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ऐसे है कि जब उसको शोहरत की तलाश होती है, जब दौलत की तलाश होती है, तो उसका पेट भरना ही नहीं। उसमें लिखता है कि अगर एक प्रॉपर्टी मैंने खरीदी तो अचानक मुझे बहुत पता अगर ये छीन दी जाए तो क्या होगा, तो मैं एक अल्टरनेट बनाता हूँ, फिर सोचता हूँ अगर ये भी छीन गई तो फिर क्या करूँ, तीसरा अल्टरनेट बनाता हूँ, फिर बोलता हूँ ये भी छीन गई तो दूसरे शहर में चला जाता हूँ, फिर उस शहर से दूसरे मुल्क में चला जाता हूँ, फिर पूरी दुनिया में प्रॉपर्टियां खरीदता हूँ। इस वजह से कि ये डर और खौफ लगा रहता है, ये छीन गई, ये छीन गई, ये छीन गई, और चाह की शोहरत की भी इसी तरीके से है। ऐसे मुल्क में जहां पे मुझे तस्वुर ही नहीं है कि मैं जाऊंगा, मगर मेरी ख्वाहिश ये होती है कि वहां पे भी मुझे बाहर नए लोग पहचाने देंगे। ये शोहरत भी एक अजीब बला होती है। तो बंदे के अंदर ही कुदरत ने रखा है, नफ्स रखा है, और उसकी वजह से वो करता रहता है।
एक दफा ये कहीं डिप्रेशन में थे, मैं यहाँ से कन्नूर आने में डीसी होता, मैं कराची से निकला, उनका फोन आया, मैं कन्नूर आया तक तो पहुंच गया, ये फोन बंद नहीं हुई थी, मैं भी सुनता तो ये आपने कहा हम अवेयरनेस तो बहुत जरूरत है लोगों में देने की ना, क्योंकि लोगों का एक्सेस ही नहीं है, ये जो आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको हल करने के लिए अगर पता भी चल जाए तो बहुत मुश्किल एक्सेस होता है। लेकिन हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे आपने कहा ना कि डॉक्टर का एटीट्यूड जो होता है उसका जो वो कितना मैटर करता है पेशेंट के लिए। लेकिन देखिए मैंने इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, मैंने ये देखा है हार्डली मेरी इतनी प्रैक्टिस में मैंने दो या तीन ऐसे लोगों को देखा है हु आर वेरी काइंड टुवर्ड्स देयर पेशेंट्स, अदरवाइज उनका एटीट्यूड इतना स्ट्रिक्ट और सख्त होता है कि पेशेंट जो है वो उसको आधा तो खौफ में मुब्तला बीमारी की वजह उनसे मिल जाता। तो ये नहीं है, ये हकीकत है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई नेगेटिव नहीं, लेकिन इसकी अवेयरनेस देने की बहुत जरूरत है हेल्थ प्रोफेशनल को। पहले अवेयरनेस आए या आपका जो एटीट्यूड है, जैसे शिफा हॉस्पिटल में एक कोर्स ही लोग कंडक्ट कराते थे कि साइको सोशल काउंसलिंग, कि उसमें एम्पैथी की और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, हाउ टू ब्रेक द न्यूज, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आपने उसको कैसे देनी है, आप दूसरे को कैसे आपने हैंडल करना है, पेशेंट को कैसे आपने हैंडल करना है, तो ये चीजें हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स पे होना, उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए। ऑडियंस साथ करने जैसे इन्होंने कहा, तो अब ऑडियंस में जो एक गुजारिश है कि जिसके दिल में कोई कमेंट क्वेश्चन और क्रिटिक टूवर्ड्स अलाउड टू क्रिटिसाइज, तो आप जाते जाते सिर्फ आखिरी बात कर आखिरी आप अगर नहीं है सवाल तो फिर पूछना या कोई क्रिटिक करना है मैं बगैर माइक के बताता हूँ। एक लीडर दिल्ली है, इकबाल साहब बैठे हैं, वाइस चांसलर शफकत सारे मेरे मोहसिन बैठे हैं। आपको ओरिएंटेशन के लिए कितना भी टाइम चाहिए वो डिजिटल टीवी है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगी, और दूसरा आर्ट्स काउंसिल का जो मैदान है वो आपके लिए अवेयरनेस के लिए कभी भी आप बात करने नहीं दे रहे थे, मैं ही आपको बात करने नहीं दूंगा, आप इतने बोल लेके जाएंगे आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब, और बहुत ही ज्यादा हमने इस्तेफादा किया। जैसे हमारे पेशेंट्स ने कहा कि डॉक्टर्स के लिए भी जरूरत है, तो मैं चूंकि एजुकेशन से ताल्लुक रखती हूँ, तो मेरी आपसे दरखास्त है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी कोई मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स या करिकुलम डिजाइन करने का अगर आप लोगों का कोई प्लान हो तो। आपका सवाल किसको रेफर है या ओपन है? आप ओपन है, मेरा पहले अफरीदी साहब को दे। पहले तो जो मेडिकल बात की, हमने भी लक्ष्य में टीम बनाऊंगा, हमने शुरू किया है कि जब भी इंडक्शन होती है पोस्ट ग्रेजुएट की हाउस ऑफिसर की, तो हमने 5 से 7 मिनट की ओरिएंटेशन क्लास शुरू की है, और इस बार हमने पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसकी लिए शुरू की, और नर्सेस को भी, तो उसमें हम प्रोफेशनलिज्म पहले हम बताते हैं कि जेबीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन क्या है हमारा, एक स्लाइड उसके, फिर हम बताते हैं कि प्रोफेशनलिज्म क्या है और एथिक्स क्या है, ये हमने 7-8 मिनट में, और फिर उनको लिख के हम भेज देते हैं भी एक शुरू किया। तो उम्मीद है कि टीम वर्क पे जब काम करेंगे, लेकिन आपकी बात सही है कि जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं अपना ख्याल कैसे रखें इसके लिए भी जरूरी है। मैं पटना सेंटर सोसाइटी का प्रेजिडेंट हूँ, हमने प्लान ये किया कि अभी फाइज साहब को पता है कि हमने अभी वहाँ पे थर में 150 जन पे टीशन को 200 उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये है कि वहाँ की एलएचबीस, फिर हमारा इधर कराची में भी हमारी प्लानिंग है, अभी हमने मीन वाला स्कूल में मेरी स्टूडेंट है वहाँ फीमेल थी, उसको भेजा जिला, और हम प्लान ये करते हैं कि एक एक स्कूल में जो है हमारे कॉलेज में, अभी वहाँ से फरमाइश आई है ग्रामर स्कूल से खुद फरमाइश आई है, हमारा ख्याल है वहाँ मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस की और जरूरत है। तो आपकी बात सही है, और हमने एक और प्लान किया है कि
کہ جتنے بھی ہمارے مولوی حضرات ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں 5000 تنخواہ ہے، 5000 کی زندگی کیسے گزارتا ہوگا؟ تو ہم نے پلان کیا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کو لکھیں گے لیٹر پرائم منسٹر کو کہ ان کی ایئر کم از کم جو بنیادی ویجز ہیں 15000 کے قریب تو ہونی چاہیے، تو کیسے زندگی گزارے گی؟ ہم کو ہم سوچ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ان کو مینٹل ہیلتھ پہ تھوڑا سا بتایا جائے کہ جب وہ مینٹلی ٹائرڈ بچے آئیں تو کیا کریں، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر ایریا کو جو زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ٹیچرز مولویز حضرات، یا ہم نے ابھی شروع کیا ہے پروفیشنل ابھی میرے ساتھ ایم پیز کر رہے ہیں لڑکا، جتنے بھی جو بڑے بڑے کارخانے ہیں ان میں بھی ہم نے پلان شروع، اور ہم نے اسٹیل مل کو بھی لکھا، ہم نے تو جواب نہیں کیا، لیکن ہم نے پھر اسلام آباد میں جو بیسٹ سیمنٹ فیکٹری میں دو پروگرام کیے ہیں، تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. شکریہ. یہ تو کہیں خواجہ صاحب بھی آپ کی سوال پر انویٹیشن کی تھی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. میڈم یہ جو مینٹل ہیلتھ اتھارٹی صوبے صوبے سر کی کونسل اسمبلی نے بنائی ہے، یہ ایکٹ بنایا ہے، اس ایکٹ میں ہم صوبے کے اسکولس، صوبے کے گلی محلے اور صوبے کے جو بھی ضلعے ہیں ہمارے اسی لیول پر ہمیں اویئرنیس دے رہی ہے مینٹل ڈیزیز کے حوالے سے، کمیونٹی کو انوالو کرنا ہے. سرکار نے پیسے بھی دے دیے ہیں پر ابھی تک ہمارے پاس آ جائیں گے، اور آپ ابھی ایک سال ڈیڑھ سال میں آپ کو بزنسلی مینٹل الیکٹرانکس میڈیا، سوشل میڈیا اور ہر جگہ آپ کو نظر آئے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ٹیلی مینٹل ہیلتھ کو یعنی اسکائپ کو اور ٹیکنالوجی کو یوز کریں تاکہ فنڈ کا کچھ حصہ اس میں لگے تو لوگ جو نہیں بھی آ سکتے. انسان کی بات بہت اچھی ہے، میرا خیال ہے اس میں سر پالیسی میکنگ میں اور حکومت کے وقت سے سینٹر مائنڈ ہیں تو مارکیٹنگ سینٹر. اور کسی کے ذہن میں بیٹا کوئی سوال ہو آپ؟ میں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے انہوں نے کوشچن کیا اسکولوں سے ریلیٹڈ، میں ریسنٹلی لنڈن سے واپس آئی ہوں تو وہاں پہ میری ایک میڈی کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹ تھی، تو مجھے اسکول والوں نے ایک لیٹر لکھا کہ ہم نے آپ کو چوز کیا ہے پیرنٹ نیم کے لیے. تو میں بہت خوش ہوئی کہ شاید انہوں نے موٹے پیرنٹس کو چوز کیا ہے کہ ان کو کوئی جم وغیرہ کی پیرنٹ ہوگی. لیکن جب میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ لنڈن میں بلکہ انگلینڈ میں پیرنٹ نیم کے نام سے ایک پروگرام ہے جس میں وہ 6 ویکس کی ٹریننگ کرتے ہیں پیرنٹس کی، انہوں نے بچوں کے ڈفرینٹ جو مسائل ہیں بچوں کے وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو میں نے 2 دفعہ وہ کورس کیا ہے وہاں پہ، جب میری بیٹی پہ تھی بجے جب وہ 6 تھی، تو مطلب اس کا ایکسپیرئنس ہے، میں مطلب اس کو ہیلپ کر سکتی ہوں. اور بیسیکلی میں کوچ بننا چاہ رہی تھی کہ میں یہاں آ کے کچھ اسٹارٹ کرواؤں، لیکن وہ مجھے پتہ چلا کہ ان کی ابھی تک پروگرام میں نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی کوئی اس کو بھی نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا جو کل ہم نے 6 لینگویجز میں شروع کیا، اس میں جب جاوید والا ہو نہیں رہا تھا تو ہم نے 4 بار کر دیا، ہو نہیں رہا تو میں نے کہا وہ سنا دیتے ہیں. ہم نے پشتو میں، سندھی میں، اردو میں، انگریزی میں اور اس کے علاوہ بلوچی میں جو ہے یہ ہمارے فیس بک پہ ہے، آپ لوگ اس میں سے ایک ایک منٹ کا ہے. جنگ کے موقع پہ بھی ہم نے کیا، پاکستان کی جگہ جب جنگ ہو رہا تھا ہم نے اپنا دیا، پانی کے متعلق کیا، کل ہم نے بائیپولر کے متعلق کیا. صرف ایک ایک منٹ کا ہے یہ. جاوید صاحب سندھی میں بول رہے ہیں، آواز اونچی کر دو بیٹے. بائیپولر افیکٹیو ڈس آرڈر جو مانگی ہے، بائیپولر افیکٹیو ڈس آرڈر یا مزاج کی بلوکی بیماری، یہ ایک بیماری کے ساتھ یہ ہے جن میں کے پاس طبیعت میں تیزی ہوتی ہے. تیزی کا مطلب طبیعت تیز کھڑوں کا رہن، بڑی خریداری کرنا، پہلے بار کے لیے شخصیت سمجھنا، گھنا پیسہ خرچ کرنا، کہنے کی ضرورت خرچ محسوس ہے. یہ اب اس پہ کیا ہے، ہم اس
सर से कराया आप बेटा आ जाओ।